नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बादल भी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल में। आज का हमारा यह वीडियो भी एक बार फिर से रामायण के ऊपर होने वाला है। रामायण के टेलीकास्ट होने के साथ ही सारे किरदार एक बार फिर से चर्चा में आ गए। रामायण के राम, सीता और लक्ष्मण यानी कि अरुण गोविंद जी, दीपिका जी और सुनील लहरी जी तो सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं और लगातार अपने फैंस से बातचीत भी करते रहते हैं। इनके अलावा छोटे छोटे किरदारों में कई अभिनेताओं ने अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में आपको भरत की पत्नी मांडवी तो याद ही होंगी। सीरियल में भरत की पत्नी का रोल निभाने वाली अभिनेत्री हैं सुलक्षणा खत्री। सुलक्षणा करीब 33 सालों से इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इस वक्त सुलक्षणा जी क्या कर रही हैं। सुलक्षणा ने रामायण से ही अपने करियर की शुरुआत की थी। रामायण में सुलक्षणा भरत की पत्नी मांडवी बनी थी। उनका किरदार छोटा था लेकिन इस सीरियल ने उनके आगे के रास्ते खोल दिए। इसके बाद वो रामानंद सागर के ही मशहूर सीरियल श्री कृष्णा और अलिफ लैला में भी नजर आई थी। श्री कृष्णा और अलिफ लैला में तो सुलक्षणा कई किरदार निभाती नजर आई थी। कभी वो कोई राक्षसी के किरदार में होती तो कभी गांव की साधारण ग्रामीण महिला। उन्हें जो भी काम मिला वो पूरी मेहनत से करती चली गई। अपने अभिनय से सुलक्षणा ने हर किरदार को जीवंत बना दिया। करियर के शुरुआती दौर में सुलक्षणा ने कई फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने गुजराती और हरियाणवी फिल्मों में ज्यादा काम किया। सुलक्षणा हाल ही में सीरियल बेगूसराय, कुल्फी कुमार बाजेवाला, संजीवनी और महाराज की जय हो में नजर आई। पिछले 33 सालों से सुलक्षणा इंडस्ट्री में लगातार सक्रिय है। वो अपने काम को बेहद एंजॉय करती है। एक इंटरव्यू में सुलक्षणा ने कहा था कि फिल्म हो या टेलीविजन शो, मैं काम को बेहद एंजॉय करती हूँ। जब भी मैं कोई नया प्रोजेक्ट साइन करती हूँ तो ये भूल जाती हूँ कि वह फिल्म है या शो। तो दोस्तों, यह थी रामायण की मांडवी यानी कि सुलक्षणा खत्री जी। ऐसे ही अन्य कई किरदार और कलाकार हैं जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय या प्रतिक्रिया है वह कमेंट करके हम तक जरूर पहुँचाएँ। जल्दी मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में कोई और नई जानकारी, नई कहानी या फिर कोई नया किस्सा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।